What does a 1% TDS, what does a 1% TDS do to the blockchain, to the business of the blockchain? It is critical to understand that what the finance minister has done by introducing this 1% TDS on the blockchain industry, it is going to hamper the way this business is done, sir. I will like to point out here that Amitabh Bachchan has launched his NFT. Abhi jo ek movie 83 jo cricket ke upar aayi thi, jisme sabhi hamare great cricketers ko dikhaya gaya tha, usme bhi ek NFT launch hui. Ab ek udharan ke roop mein agar aap lenge, agar aap apna NFT, agar aap apna rupaye ko ek Ethereum khareedte hain, jo ki ek cryptocurrency hai, aur usko jo hai, aap Meta Mask mein jo ek crypto wallet hai, uske andar dalte hain, aur usse phir aap ja karke ek Bollywood movie ka NFT khareedte hain, jisse aapko jo hai, us actor ka sign kiya hua ek poster milta hai, to in teen transaction har ek stage pe aapko 1% टीडीएस लगेगा. मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को यह जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको तीन जगह पे जब आप टीडीएस लगाएंगे तो यह सीधे सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है. मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी आई है 1% टीडीएस की, आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में आप खुद इसको बदलने का काम करेंगे और जो तीन जगह आप ले रहे हैं उसको आप खत्म करेंगे. आप इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जो ये स्पेस है सर, मैं खत्म कर रहा हूं. आप चाहे वेब 1.0 को लीजिए, गूगल जैसा बड़ा कंपनी सिलिकॉन वैली से आया, वेब 2.0 में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो है वो सिलिकॉन वैली में आई, वेब 3.0 में हमारे देश में जहां इतने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, आज आप ये रेगुलेशन लगा करके हर एक इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आप गला घोटने का काम करें. मैं सर खत्म कर कंक्लूजन में, सर बस मेरे को एक मिनट दे दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं उसका. आप सर एक मिनट, सर निवेदन है सर, प्लीज निवेदन है सर. देश के जो युवा क्लास है 18 से 20 25 साल के लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड है, आप उनकी सोच को इस तरह से मत स्टाइफल करिए, इस तरह से खत्म मत करिए और इस एसेट क्लास पे 1% टीडीएस को आप खत्म करिए, क्योंकि ये आने वाले समय में इस बहुत ही बढ़िया एसेट क्लास को हमारे देश के अंदर मटिया पलीत कर देगा और उसको रोकने से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसके ऊपर कोई टैक्स एक टीडीएस न लगाइए. बनाने जा रहे हो क्या जी माननीय मंत्री जी?